अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ रिपेयरिंग मास्टर। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक इस्त्री के हवाले से है कि हमारी इस्त्री का ये इंडिकेटर बल्ब तो जलता है लेकिन हमारी इस्त्री गर्म नहीं हो पाती। नंबर दो, ये हमारा एडजस्टमेंट लेवल है, इसको हम लास्ट तक तो ले जाते हैं लेकिन हमारा इंडिकेटर बल्ब नहीं जलता। आज मैं इन दो फाल्टों के हवाले से आपको बताने वाला हूँ कि हम इन दो फाल्टों को अपने घर पर बआसानी कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए, उसके लिए हमें करना क्या है कि हमें एक टेस्ट सीरीज़ बोर्ड लेना है जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बनाकर दिखा चुका हूँ। मैं इस पर पहले इसको चेक करता हूँ कि इसका हमारा फॉल्ट है क्या। टेस्ट सीरीज़ बोर्ड का बटन ऑन करने के बाद सबसे पहले जो मुझे पता लगता है वो ये कि अगर मेरी इस्त्री शार्ट होती तो मेरे टेस्ट सीरीज़ बोर्ड का बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता। अब मैं ये देखता हूँ कि इसका लेवल जो है वो काम कर रहा है, इस्त्री ऑन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लेवल मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरी इस्त्री ऑन हो चुकी है। टेस्ट सीरीज बोर्ड मुझे ये बता रहा है कि हमारी इस्त्री ऑन हो चुकी है लेकिन ये यहाँ पर गर्म नहीं होगी। तो अब हमने करना क्या है कि इसमें फॉल्ट ये है कि मैं आपको डायरेक्ट बिजली में लगा कर दिखाता हूँ कि मेरी इस्त्री काम कैसे कर रही है। फ्रेंड्स, मैंने इसका स्विच जो है वो डायरेक्ट बोर्ड में लगा दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसका ये इंडिकेटर लेवल है ये बिल्कुल उसी जगह पर जाकर ऑन हो जाता है, लेकिन ऑन होने के बाद मेरी इस्त्री गर्म नहीं होती। मेरा इंडिकेटर लेवल ऑन है लेकिन मेरी इस्त्री गर्म नहीं हो पा रही। इसका फॉल्ट क्या है, मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इसको हम घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले इस्त्री को जो है वो खोलना होगा। तो आइए हम इस्त्री खोलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, जो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम सबसे पहले जो है इसकी बैक साइड खोलेंगे। इसकी बैक खोलने के बाद फ्रेंड, आपको ये इसके अंदर तीन पेच नज़र आ रहे हैं, दो तार के हैं और तीसरा जो है वो हमारा बल्ब का है। हम ये तीनों पेच इसके खोल लेते हैं जो तक हमारी इस्त्री बआसानी खुल सके। इसके तीनों पेज खोलने के बाद अब मैं इसकी सबसे पहले ये पत्ती उतार देता हूँ, जो तक कि मैं इसके आपको ये दो पेज नज़र आ रहे होंगे। इस पेचकस की मदद से मैं इसके ये दो पेज खोल लेता हूँ जो तक हम इसके अंदर के फॉल्ट को ढूंढ सकें। इसके बाद जो है फ्रेंड, ये किसके अंदर से तार निकलेगी, आपने इसको ज़रा संभाल कर रखना है। ये इसके लेवल को एडजस्ट करती है। उसके बाद हमें इसके अंदर ये तीन पेच मज़ीद नज़र आ रहे हैं, ये तीनों पेच खोल लेता हूँ मैं। फ्रेंड्स, तीनों पेच खोलने के बाद जो असल चीज़ हमारी है वो ये पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हमारी इस्त्री गर्म नहीं हो पाती। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाले दो पॉइंट हैं, ये आपस में जब मिलते हैं तो हमारी इस्त्री ऑन हो जाती है और ये जब हट जाती है तो हमारी इस्त्री बंद हो जाती है। इस टाइम फॉल्ट ये है कि हमारे जो ये पॉइंट हैं इनके ऊपर कार्बन आया हुआ है। कार्बन की वजह से जब हम लेवल एडजस्ट करते हैं तो हमारे पॉइंट आपस में मिल तो जाते हैं लेकिन इनमें से करंट सही नहीं गुजर पाता, जिसकी वजह से हमारा बल्ब तो जल जाता है लेकिन हमारी इस्त्री गर्म नहीं हो पाती। तो उसके लिए करना क्या है कि हमें रेग मार की मदद से हमने अपने इन दोनों पॉइंटों को, एक ही ऊपर पॉइंट लगा हुआ है एक ही नीचे पॉइंट है, दोनों पॉइंटों को हम रेग मार की मदद से साफ़ कर लेंगे जो तक हमारा कार्बन साफ़ हो जाए और हमारी इस्त्री काम करने लगे। रेग मार हमने कुछ इस तरह से लगाना है कि रेग मार लेकर हम पहले इसका नीचे वाला पॉइंट उंगली की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम अपना ऊपर वाला पॉइंट बिल्कुल उसी तरह उसका तमाम कार्बन जो है वो अच्छी तरह साफ़ करेंगे जो तक हमारी इस्त्री के पॉइंटों से करंट बआसानी गुजर सके। दो से तीन मिनट रेग मार की मदद से पॉइंटों को रगड़ने के बाद हमारे पॉइंट अच्छी तरह साफ हो चुके हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं आपको फॉल्ट बता रहा था कि हम अपना एडजस्टमेंट लेवल बिल्कुल लास्ट तक ले जाते हैं लेकिन हमारी इस्त्री फिर भी गर्म नहीं होती। उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें फॉल्ट क्या होता है। यह आपको एक पेच नज़र आ रहा होगा इस जगह पर, इस पेच को करना क्या है कि हमने इसको बिल्कुल दरमियान में रखना है कि ना ये नीचे से
इसकी चूड़ियाँ और ऊपर से चूड़ियाँ बिल्कुल बराबर हमें नज़र आ रही हूँ। अगर हम कम या ज़्यादा होगा उसकी वजह से भी हमारा ये लेवल जो है लास्ट पर जाने के बावजूद भी काम नहीं करता। इस्त्री को बंद करते हुए आपको थोड़ी सी एहतियात ये रखनी है कि हमने जिस तरह से इस्त्री को खोला था बिल्कुल उसी तरह एहतियात के साथ हम इस्त्री को बंद कर लेते हैं। वेट के 3 पेज कसने के बाद एहतियात ये करनी है कि जो हमारी ये तार है हम इसको इस जगह पर रख कर जो इसका ऊपर का कवर है इस सुराख से हम इस तार को गुजारेंगे। और ये तार मैंने पकड़ ली है, यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया। बाद में आपको दिखाता हूँ कि ये ऊपर के कवर में ये अंदर एक आपको सुराख नज़र आ रहा होगा, तो हमने ये तार का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पहले हम इस सुराख के अंदर डालेंगे, उसके बाद जो है जो हमारी ये पत्ती के इस्त्री के 3 पत्तियाँ बनी हुई हैं ये हम इन तीनों सुराखों से गुजारेंगे। तो पहले मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इस्त्री की प्लेट को मैंने हाथ में उठा लिया है। अब मैं पहले बारीक तार वाला हिस्सा जो है वो मैं सुराख के अंदर डाल देता हूँ, उसके बाद फिर ये 3 पत्तियाँ मैं इसके अंदर से डाल देता हूँ। और कुछ इस तरह से इस्त्री को मैंने बिठा दिया है एहतियात के साथ। अब मैं उसके पेच बंद कर देता हूँ। पेच कसने के बाद हमारी तार के जो ये 2 पॉइंट हैं, हमने पहला पॉइंट जो है वो हम पहली पत्ती में लगाएंगे और दरमियान वाला छोड़कर लास्ट पत्ती में अपनी तार का दूसरा पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद इसी तरह जो हमारा ये बल्ब है इसका ख़ास ख्याल ये रखना है हमने कि एक पॉइंट जो है हम पहली पत्ती में लगाएंगे और दूसरा पॉइंट जो है हम वो दरमियान वाली पत्ती में लगाएंगे। इधर वाले इसमें बल्ब का हम पॉइंट नहीं देंगे। ये तारों के कनेक्शन कुछ इस तरह किए हैं कि मैंने एक साइड पर ये बल्ब और मेन वायर का कनेक्ट किया, दरमियान में दूसरा पेच कसा है मैंने और लास्ट वाली पर सिर्फ मैंने सिंगल पेच कस दिया। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी इस्त्री का बल्ब जलता है या नहीं जलता है। ये देखिए फ्रेंड, स्विच लगाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसका लेवल बढ़ा रहा हूँ तो मेरा बल्ब जो है वो ऑन हो गया है और अब मेरी इस्त्री मैं चेक करता हूँ ये गर्म होना शुरू हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसी तरह बाकी का हिस्सा इसका बंद कर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसकी बैक साइड लगाने के बाद सबसे आखिर में इसकी ऊपर वाली मैं पत्ती लगा देता हूँ और फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ कि मेरी इस्त्री किस तरह से काम कर रही है। ये देखिए फ्रेंड, मैं जैसे ही इसका लेवल बढ़ाता हूँ तो मेरा बल्ब ऑन हो जाता है और चंद सेकंड में मेरा इस्त्री जो है वो गर्म होने के बाद ये बल्ब खुद ब खुद बंद हो जाएगा। चंद सेकंड हम वेट करेंगे, उसके बाद जो हमारा बल्ब है वो ये देखें ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। इसका मतलब है कि मेरी इस्त्री इस लेवल पर गर्म होकर ऑटोमेटिकली बंद हो गई है। अगर मैं इसका लेवल बढ़ाता हूँ तो ये फिर से मेरा बल्ब जल जाएगा और इस लेवल पर आकर ये फिर से खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरी इस्त्री जो है वो बिल्कुल गर्म होकर सही काम कर रही है। ये देखें फ्रेंड्स, फिर से ये खुद ब खुद ऑफ हो गया। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम।